क्रेटा का एक नया डीजल वेरिएंट भारत में लॉन्च किया गया है। नई डीजल क्रेटा 1.6 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित है और इसकी कीमत ई प्लस वेरियंट के लिए 10.88 लाख रुपए और EX वेरिएंट के लिए 11.92 लाख रुपए रखी गई है। नई 1.6 लीटर डीजल इंजन 128 HP की पावर देती है, जो कि 1.4 लीटर डीजल मोटर की तुलना में अधिक है, जिसमें 90 HP का पीक आउटपुट है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के लिए रखा गया है। इंजन में बदलाव के अलावा नया डीजल वेरिएंट क्रेटा लाइनअप पर अन्य वेरिएंट के समान है। TVS ने गोवा में 2019 मोटो सेल में राइडिंग गियर और अपेरल्स की अपनी लाइन शुरू की है। इस पर लॉन्च किए गए गियर लिस्ट में हेलमेट, ग्लोव्स, राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट भी शामिल है। राइडिंग बूट भी लॉन्च किए गए हैं। एक प्रकार के शूज एंकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये सिटी राइड के लिए अनुकूल है। एक टाइप शीन तक सुरक्षा प्रदान करता है और यह स्पोर्ट टूरिंग और रेस लवर्स के लिए है। इन गियर की कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी है। उदाहरण के लिए हेलमेट ISI और ECE प्रमाणित है और इसकी शुरुआती कीमत 2,500 रुपए से 2,800 रुपए तक है। राइडिंग जैकेट की शुरुआती कीमत 5,600 रुपए है और राइडिंग पैंट आपको 4,950 रुपए तक मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं। जैज हैचबैक की 4th जनरेशन को एक नया फ्रंट मिला है। हेडलाइट्स पहले की तुलना में छोटी और अधिक एंगुलर है। लीक की गई तस्वीर में नंबर प्लेट पर HEV लिखा है, जिसका अर्थ है कि यह हाइब्रिड वर्जन की तरह दिखता है, जो होंडा के IMMD हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी। नए जैज अपने वैन जैसे प्रपोर्शन के साथ जारी है। करंट जनरेशन के मॉडल की तरह ही साइड प्रोफाइल थोड़ा टेढ़ा है। हैचबैक के रियर प्रोफाइल पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड वर्जन के अलावा नए जैज को R वर्जन भी मिलने वाला है। इसको अधिक पावरफुल इंजन के अलावा कार में आक्रामक डिजाइन बिट्स जोड़े जाएंगे। नई होंडा जैज के कैबिन को भी नया लेआउट मिलेगा। कुछ स्पाई शॉट्स के बाद 4th जनरेशन के जैज को एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक ऑल ब्लैक कलर स्कीम जिसमें अन्य अपडेट्स के साथ सिल्वर हाइलाइट्स मिलेंगे। अगली जनरेशन की होंडा जैज 2020 की दूसरी 6 मई के दौरान भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये मारुति सुजुकी बलेनो, ह्यूंडई इलाइट i20 और फॉक्सवैगन पोलो के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। टोयोटा ने कंफर्म किया है कि वो जल्द ही भारत में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी और इसे मारुति के साथ पार्टनरशिप में विकसित किया जाएगा। वास्तव में टोयोटा ने कहा है कि कार आगामी मारुति सुजुकी वैगन आर आधारित इलेक्ट्रिक हैचबैक के प्लेटफॉर्म और इंजन को शेयर करेगी। 2016 से सुजुकी और टोयोटा भारत में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार के पार्टनरशिप के तरीके तलाश रहे हैं। 2017 में उन्होंने इस आशय के एक मेमोरेंडम पे हस्ताक्षर किए थे। मारुति सुजुकी वैगनार इलेक्ट्रिक कार 2020 में लॉन्च की जाएगी और ये फेम 2 स्कीम में सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाएगी, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि कार की कीमत काफ़ी आक्रामक होगी। कार की बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने पर 130 किलोमीटर की रेंज देने की संभावना है और ये AC और DC चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। बेनेली ने भारत में अपनी पहली रेट्रो स्टाइल वाली बाइक इंपीरियल 400 लॉन्च कर दी है। बेनेली इंपीरियल 400 की एक्स शोरूम कीमत 1.69 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में ये बेनेली की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। इंडियन ऑटो मार्केट में इसकी टक्कर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा जैसी बाइक से होगी।
पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेनेली इंपीरियल 400 में 374 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। ये इंजन 5,500 आरपीएम पर 21 एचपी की पावर और 4,500 आरपीएम पर 29 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स से लेस है। बेनेली के बाइक में इस्तेमाल किए गए व्हील्स, टायर और ब्रेक जैसे कुछ कंपोनेंट्स भारत से ही लिए गए हैं, इसीलिए बाइक की कीमत काफ़ी किफ़ायती है। बाइक के फीचर्स में स्प्लिट सीट्स, राउंड हेड लैम्प, ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टाइलिश एग्जॉस्ट है। इंपीरियल 400 में स्पोक व्हील्स दिए गए हैं जो बाइक को अट्रैक्टिव लुक देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।